अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे साइकोलॉजी 401 असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2024। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरे व्हाट्सएप के चैनल का लिंक है, किसी भी वीडियो की अपडेट के लिए आप उधर ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, यूजिंग ब्लोच कल्चर एज केस स्टडी क्रिटिकली एनालाइज हाउ फॉलोइंग मेंशन कल्चर नॉर्म्स इन्फ्लुएंस डेली बिहेवियर विद इन बलोचिस्तान, गिव टू एग्जाम्पल इन ईच थीम। फर्स्ट जो हमारे पास है वो टेरिबलिज्म है, सेकेंड जेंडर रोल्स हैं, थर्ड हॉस्पिटैलिटी, फोर कोड ऑफ ऑनर्स, फिफ्थ रिलीजियस बिलीफ। के बलोच कल्चर को आप एज केस स्टडी लें और इन थीम्स को एनालाइज करें, जो कल्चर नॉर्म्स हैं उनको एनालाइज करें और बताएँ कि ये बिहेवियर बलोचिस्तान में किस तरह होता है। और हर जो उन्होंने नॉर्म्स दिया है उसकी टू एग्ज़ाम्पल दें, और हर एक एग्जांपल के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो दो दो एग्जांपल्स सबकी देनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बलोच कल्चर इज रिच एंड डाइवर्स एंड वेरियस कल्चर नॉर्म्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस डेली बिहेवियर इन बलोचिस्तान। हेयर इज क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ थीम्स यू मेंशन। फर्स्ट हमारे पास टेरिबलिज्म, वहाँ पे टेरिबलिज्म इज़ अ फंडामेंटल एसेप्ट ऑफ बलोच कल्चर वेयर लॉयलिटी और टू वन ट्राइब्स ऑफन सुपरसीड्स अदर एफिलेशन। दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंग शेप्स सोशल इंटरेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट जो इसकी एग्जाम्पल लिखी है हमने वो डिसीजन मेकिंग है, फैसला साजी। इन बलोचिस्तान मेजर डिसीजन सच एज मैरिज और लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑफन मेड कलेक्टिवली बाय टेरिबल एल्डर। वहाँ पे होते हैं ना कबाइल होते हैं ना, टेरिबलिज्म कबाइल को कहते हैं। तो मुख्तलिफ उनके जो फैसले होते हैं या शादी के हो गए या जगहों के हो गए, तो वो जो टेरिबल जो कबाइल के बड़े सरदार वगैरह होते हैं वो डिस्कस करते हैं। दिस प्रोसेस री इन्फोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिबल कॉन्सेंसस एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर। ये प्रोसेस जो होता है ये उनकी कबाइल की अहमियत को उजागर करता है और साथ बड़ों की इज्जत को भी उजागर कर, अफेक्टिंग हो इंडिविजुअल अप्रोच कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एक था डिसीजन मेकिंग इसमें आ गया। सेकेंड जो एग्जाम्पल हमारे पास वो रिसोर्स शेयरिंग है। मेम्बर्स ऑफ अ ट्राइब आर रिसेप्टेड टू सपोर्ट वन अनदर एस्पेशली इन टाइम्स ऑफ नीड, के जो उनसे कबाइल के लोग होते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं जब ज़रूरत का टाइम आए। दिस कैन मैनिफेस्ट इन शेयरिंग रिसोर्स। ये मतलब इसी तरह ज़रूरियात को एक दूसरे से मिल बांटना, लाइक फूड एंड वाटर, खाना और पानी। फॉस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग ट्राइब मेंबर्स। ये इसकी दो एग्जांपल होगी। सेकंड हमारे पास जेंडर रोल। जेंडर रोल्स इन बलोच कल्चर आर ट्रेडिशनली डिफाइंड विद डिस्टिंक्ट एक्सपेक्टेशन फॉर मेन एंड वेमन डैट इन्फ्लुएंस देयर डेली लाइफ। के एक मर्द और औरत का क्या वहाँ पर रोल होता है बलोच कल्चर में। तो फर्स्ट हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर। मैन आर टिपिकली सीन एज द प्रोवाइडर्स एंड आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ लाइक फार्मिंग एंड हर्डिंग, वाइल वीमेंस आर प्रीमेडली रिस्पॉन्सिव फॉर डोमेस्टिक टास्क सच एज कुकिंग एंड चाइल्ड रेयरिंग। दिस डिवीजन अफेक्ट हाउ फैमिली फंक्शंस एंड द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वुमेन। के उधर के जो मेंस जो होते हैं मर्द वगैरह, वो टिपिकली बाय फार्मिंग वगैरह करते हैं, बाहर की एक्टिविटी सारी वो देखते हैं, और जो औरतें होती हैं वो घर के काम, कुकिंग, बच्चों को पालना, इसमें होता है। तो इस भी एक इसका ये इफ़ेक्ट होता है कि जो वीमेंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है। सेकंड जो हमारे पास है वो सोशल रिस्ट्रिक्शन हैं। वीमेन इन बलोचिस्तान ऑफर फेयर रिस्ट्रिक्शन ऑन मोबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ। कल्चर नॉर्म्स में डिक्टेट that women should not travel alone or engage in activities outside the house, limiting their social interaction and independence. के जो वहाँ पे restrictions लगाई जाती हैं स्पेशली औरतों पे, कि वो मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती, पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट वो नहीं कर सकती, कई अकेले वो ट्रैवल नहीं कर सकती घर के बाहर। तो ये जो ये रिसोर्सेज होती हैं वो उनको इंडिपेंडेंस में रिस्ट्रिक्शन इंडिपेंडेंस बनाती हैं। थर्ड हमारे पास हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी। हॉस्पिटैलिटी इज़ कॉर्नर स्टोन ऑफ बलोच कल्चर, रिफ्लेक्टिंग जेनरसिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर गेस्ट विच प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेली इंटरेक्शन, वेलकमिंग गेस्ट। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास, बलोच फैमिलीज ऑफन गो टू ग्रेट लेंथ टू वेलकम गेस्ट, ऑफरिंग फूड एंड ड्रिंक्स रिगार्डलेस ऑफ देयर ओन सरकमस्टांसिस। दिस
प्रैक्टिस री इन्फोर्स सोशल बॉन्ड एंड डेमोंस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी टाइज, कि जो बलोच फैमिलीज़ होती हैं वो मेहमानों का बहुत अच्छे से इस्तकबाल करती हैं, उनको खाना और ड्रिंक्स जो उधर की होती है स्पेशल वो उनको सर्व करते हैं अपने मतलब सारे मसाइल वगैरह भुला कर। तो ये उनकी बहुत मेहमान नवाजी तो उधर की बहुत ज़्यादा मशहूर है। सेकेंड हमारे पास ऑनर इन हॉस्पिटैलिटी, रिफ्यूजिंग अ गेस्ट आर प्रोवाइडिंग इन एडिकेट हॉस्पिटैलिटी कैन बी सेंस सीन एज अ लूज ऑफ ऑनर। दिस कल्चर नॉर्म्स इनकरेज इंडिविजुअल टू प्रायोरिटाइज द नीड्स ऑफ देयर गेस्ट ऑफन लीडिंग टू एलिब्रेट मील्स एंड गैदरिंग, के वहाँ पर ये होता है कि जो मेहमान होते हैं उनकी इज़्ज़त अफज़ाई पूरी की जाती है, उनके मतलब कुछ भी मांगे तो उन्हें मतलब इनकार नहीं किया जाता, अगर करें तो मतलब ये उधर इज़्ज़त का सवाल होता है, तो इसके लिए उनके लिए गैदरिंग्स रखी जाती हैं, मील्स लगाए जाते हैं। फोर हमारे पास कोड ऑफ ऑनर, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनर इज़ डीपली इम्बेडेड इन बलोच कल्चर गाइडिंग बिहेवियर एंड सोशल इंट्रैक्शन। तो फर्स्ट जो हमारे पास इसमें एग्जाम्पल आएगी वो रिवेंज एंड जस्टिस होगी, बदला और इंसाफ। इन केस ऑफ रिसीव डिसऑनर सच एज इंसल्ट और डिस्प्यूट, इंडिविजुअल्स में फील कंपेल्ड टू सीक रिवेंज टू रिस्टोर देयर फैमिलीज ऑनर। दिस कैन लीड टू साइकल्स ऑफ वायलेंस एंड कन्फ्लिक्ट अफेक्टिंग कम्युनिटी रिलेशनशिप। ये वहाँ पर ये बदला और इंसाफ वगैरह का अभी तक भी चल रहा है, अगर आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो वो भी आगे से आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा, बदला पूरा लेगा ताकि उनकी फैमिली के जो इज़्ज़त है वो रिस्टोर हो सके। दिस मतलब ये फिर आगे उनके मिसाइल आगे चलते रहते हैं, काम नहीं होती है, इसके नाम पर उधर कत्ल वगैरह भी हो जाते हैं। सेकेंड है फैमिली रेपुटेशन, मेंटेनिंग अ गुड रेपुटेशन इन करिकुलर इन बलोच सोसाइटी एक्शन डैट शुड ब्रिंग शेम टू द फैमिली सच एज डिसऑनेस्टी और फेलियर टू अपहोल्ड कल्चर वैल्यूज कैन लीड टू सोशल ऑस्ट्रेक्सम इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल्स टू एडहायर स्ट्रिक्टली टू कल्चर नॉर्म्स। कि जो फैमिली रेपुटेशन होती है वहाँ पर इनको मेंटेन करना बलोच सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा होता है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करते वो लोग जिससे उनकी फैमिली शेम हो या उनकी डिसऑनेस्टी हो। फिफ्थ हमारे पास रिलीजियस बिलीव, मतलब रिलीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द वैल्यूज एंड बिहेवियर्स ऑफ बलोच पीपल इन्फ्लुएंसिंग देयर डेली लाइफ। फर्स्ट एग्जाम्पल है डेली प्रेयर, द प्रैक्टिस ऑफ परफॉर्मिंग डेली प्रेयर साला इज एन फंडामेंटल एसेप्ट ऑफ लाइफ फॉर मैनी बलोच। दिस कमिटमेंट टू रिलीजियस ऑब्जर्वेंस स्ट्रक्चर डे डे एंड फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग दोज हु शेयर द सेम फेथ। के वहाँ के जो लोग होते हैं वो नमाज की बहुत ज़्यादा पाबंदी करते हैं, हर रोज़ मतलब सारी नमाजें वो पढ़ते हैं, और ये उनकी एक कमिटमेंट होती है, वो कुछ भी हो जाए ना नमाज नहीं छोड़ते, वो अपनी डेली की प्रेयर्स करते हैं। एग्जांपल टू हमारे पास रिलीजियस फेस्टिवल, मतलब मजहबी त्यौहार सेलिब्रेशन सच एज ईद आर इम्पोर्टेंट फॉर द बलोच, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर कम्युनियल गैदरिंग एंड रीइंफोर्सिंग सोशल टाइज। दीज फेस्टिवल्स ऑफन इन्वॉल्व स्पेशल प्रेयर्स फीस्टिंग एंड एक्ट ऑफ चैरिटी रिफ्लेक्टिंग द इंटीग्रेशन ऑफ रिलीजियस बिलीव इनटू कल्चर प्रैक्टिस। के वहाँ पर जो उनसे होते हैं मजहबी त्यौहार, ईद हो गई तो वो उनको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, गैदरिंग करते हैं और सोशल टाइज वगैरह, तो उसमें स्पेशल प्रेयर्स भी होती हैं, एक्ट्स ऑफ चैरिटी भी होते हैं, तो ये वहाँ का बहुत अच्छा है। इन कंक्लूजन द कल्चर नॉर्म ऑफ टेरिबलिज्म जेंडर रोल हॉस्पिटैलिटी कोड ऑफ ऑनर्स एंड रिलीजियस बिलीफ सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस डेली बिहेवियर इन बलोचिस्तान शेपिंग द सोशल फैब्रिक एंड पर्सनल इंट्रैक्शन विद इन द कम्युनिटी। तो ये थी आपके असाइनमेंट, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।